हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज है वीकली एक्सपायरी का दिन था और जो कल हमने लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। सेकेंड टारगेट के भी ऊपर निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल पे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो है वो काफ़ी वीक है। वॉर अभी भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो बुल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एक्शन में देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ से फिर से दोबारा से एक गिरावट देखने को मिली और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया कंफर्टेबली। नीचे आया, ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ एग्जैक्ट। आप देख सकते हैं इसी के पास इसने दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, कल भी इसने इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया था और ये भी लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो सेकेंड टारगेट के लेवल ने सपोर्ट का काम किया। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास से ये बाउंस बैक हुआ, तो लेवल काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। अभी कल अगर ये ट्रेंड लाइन, एक यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है ये इस तरह से, आप देख सकते हैं इस दो पॉइंट को मिला के ये ड्रॉ किया, तो आगे जाकर इसने तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भी एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये 5 मिनट के चार्ट का रिव्यू था आज का। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए पहले एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट आपको याद होगा, हमने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और उसके बाद यहाँ पर नेक लाइन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला और निफ्टी इंडेक्स और भी तेज़ी से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो अभी ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कल लास्ट डे है वीक का। देखते हैं अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो पाता है तो हमें यहाँ से एक बाउंस बैक होने की उम्मीद हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर न्यूज़ देखें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में दूसरा राउंड ऑफ टॉक का शुरू होने वाला है बेलारूस में, तो इससे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो देखते हैं क्या होता है आगे। और अगर इंडिया के ऊपर भी रशिया के जैसे निर्बंध अगर बाकी के देशों ने लगा दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में इंडिया वोट नहीं कर रहा है, इंडिया सदन के बाहर चला जाता है, तो इससे काफ़ी सारे देश नाराज़ भी हैं क्योंकि रशिया का साइड ले रहा है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर अगर कोई सैंक्शंस लगते हैं तो इसके इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। डेली चार्ट में हमने देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी अराउंड 16,850, इसके पास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि इस लाइन ने पास्ट में काफ़ी टाइम सपोर्ट का काम किया है। जो पास्ट में सपोर्ट का काम करता है आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये लेवल और यहाँ पे 16,250 के आसपास ये जोन में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि इंडिया में भी अभी जो इलेक्शन चल रहे 5 राज्यों में, इसका 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो उसके पहले यहाँ पर हो सकता है एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिले। अभी फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेटअप है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये मूविंग एवरेजेस अभी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अप ट्रेंड जब होता है तब ये देखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे असेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं, अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बन सकते हैं, अभी तक बने नहीं है तो बन सकते हैं। अगर ये 16,250 को ब्रेक करता है, यानी इस ब्लू लाइन को ये कंफर्टेबली ब्रेक कर देता है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल बनती हुई नज़र आती है इस तरह से, तो और भी यहाँ से गिरावट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ये सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डेली और वीकली चार्ट को देख लिया। अभी आर्ली चार्ट पर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो पैटर्न देखिए आर्ली चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अनस्टेबल है। इस समय निफ्टी देखे तो अनस्टेबल है, ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा है, ऊपरी लेवल पर यह सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो एक अनस्टेबल सा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज के लो के नीचे
यानी 16,439। यहाँ से ही 2 दिन पहले ये ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला था, तो ये हो सकता है सपोर्ट का लेवल बने। तो इसको ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 16,402 और सेकेंड टारगेट होगा 16,362। ऊपर की तरफ आता है तो आज जहाँ पर एक छोटा सा स्विंग हाई बना था, ऊपर जाने की कोशिश की थी निफ्टी इंडेक्स ने, यानी अराउंड 16,560, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 16,596 और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 16,628, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह निफ्टी के लेवल से कल के लिए। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट सिमिलर टू निफ्टी जैसे ही था। ओपन हुआ बैंक निफ्टी सेकेंड टारगेट के पास एग्जैक्ट, इसने रेजिस्टेंस फेस किया, सस्टेन नहीं हो पाया ऊपरी लेवल पे, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी के पास ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। 60 मिनट के चार्ट को फॉलो करेंगे। कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, आज का ये जो रेड कैंडल का लो बन रहा है अराउंड 34,835, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा 34,700, सेकेंड टारगेट बनेगा 34,543, और अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये लास्ट वाला ये जो कैंडल है ये बोरिंग कैंडल बना है, जहाँ पर ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी के पास आके ये क्लोज हुआ। तो इस बोरिंग कैंडल का हाई के जस्ट अबाउ यानी 35,251, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 35,376, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,523, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है इन लेवल्स के ऊपर तो वेट करें, दोबारा से जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तब पोजीशन लेना सही साबित होगा। तो ये कल के लिए लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।